पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंदसौर जिले की सुभासरा सीट के प्रत्याशी राकेश पाटीदार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान बनाया कि जब किसी विधायक की मृत्यु होगी तो उपचुनाव होगा, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कभी ऐसा समय भी देश में आएगा कि बोली बोल लो और उपचुनाव हो जाएगा। देश में 60 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश में है जिस पर उपचुनाव हो रहा है। शिवराज जी कहते हैं कि 15 माह का हिसाब दो, तो मैं कहता हूँ कि शिवराज जी आप 15 साल का हिसाब दो। नाथ ने कहा कि बेरोजगारी में नंबर वन, महिला अत्याचार में प्रदेश नंबर वन, भ्रष्टाचार में भी नंबर वन, कौन सी चुनौती मेरे पास नहीं थी। इस जनसभा के दौरान भारी जनसमूह मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, मंदसौर।